हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में बताना चाहते हैं हम आपको इस प्रकार का सवाल कैसे सॉल्व किया जाता, हल किया जाता, जो हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दें कैसे हल करने। एक सवाल आपका इस प्रकार का कक्षा 5वीं में पूछा जाता, बोर्ड परीक्षा जिनकी वो जरूर देख लें। 5वीं में जरूर आता है, एक सवाल ऐसा आता है, पूछा ही जाता, बिल्कुल क्लियर है, हम आपको बता रहे हैं। एक सवाल ऐसा आ जाता ही जाता है, आ ही जाता है बिल्कुल। तो आप लोग वीडियो पूरा देखना, लास्ट तक देखना, इसको कैसे लगाते हैं हम बताएं जरूर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा क्या है इसमें, यदि एक दुकानदार के पास 13 मीटर कपड़ा, कितना 13 मीटर पूरा कपड़ा है उसके पास, और उसने 8 मीटर कपड़ा राहुल को बेच दिया, उसके पास कितने मीटर कपड़ा बचेगा। तो भैया क्वेश्चन की भाषा कुछ अलग भी हो सकती है, चाहे जैसे ही हो जाए, उसमें खरीदना भी आएगा, उसने बेचना भी आएगा, चाहे जो खाए आपको उसके पास कितना मीटर कपड़ा बचा ये बताना। तो जैसे मैं राहो, उसके दुकानदार के पास कितने मीटर कपड़ा था, चूंकि दुकानदार के पास कुल 13 मीटर कितना था, 13 मीटर कपड़ा था, कितना 13 मीटर कपड़ा था, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए अब उसके पास 13 मीटर कपड़ा था। देखो अब उस इसलिए क्या हो जाएगा, दुकानदार के पास बचा शेष कपड़ा बराबर क्या हो जाएगा, 13 मीटर पूरा कपड़ा है था उसके पास, खरीदा कितना था, उसने बेच कितना दिया था राहुल को, 8 मीटर कपड़ा बेच दिया, तो जो लिखा कि उसने 8 मीटर कपड़ा बेचा था, मतलब इसमें से कमा था, सो 8 मीटर कपड़ा क्या बेचा था, तो जी घटा देने, तो 13 मीटर में से 8 घटेगा कितना बचेगा, 13 में से 8 घटेगा तो 5 मीटर कपड़ा बच जाएगा। तो लिख देने अतः दुकानदार के पास 5 मीटर कपड़ा बचा है, 5 मीटर कपड़ा बचा। हाँ ऐसा कर देने, बिल्कुल हमने आपसे शॉर्ट भाषा लिखवा दी, ज़्यादा ज़्यादा नहीं लिखवाई, लेकिन हमने एक इसमें लेन लिखनी थी, लेकिन खा गया, आपको लिख सकते तो लिख देना। इसमें लिखना था कि जिस दुकानदार के पास कुल 13 मीटर कपड़ा था, लिखते के पुनः चूंकि उसने 8 मीटर कपड़ा राहुल को बेच दिया, इसलिए फिर लिख देते दुकानदार के पास बचा शेष कपड़ा, लेकिन हम खा गए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिख दे रहे, इधर ऊपर लिख दे रहे पुनः चूंकि उसने 8 मीटर कपड़ा कितना 8 मीटर कपड़ा राहुल को बेच दिया था। हमें ध्यान नहीं दिया, लिखनी थी लेकिन हमने इतने ध्यान माइंड में नहीं आया, सीधा हम इसलिए लिख गए, फिर हमने जो ही लिख दिया, फिर हमने कुछ किया ही नहीं। अगर लिखना हो तो इतना ही लाइन लिख देना बीच के बीच, अब फिर आपका आंसर कर देना तो सही, बिल्कुल बिल्कुल राइट है फिर, ठीक है। और मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम, धन्यवाद।